जय श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव पर श्री शिव गणपति सेवा मंडल की महिला विंग के हमारे पदाधिकारी वंदना अरोड़ा जी, हमारे अध्यक्ष नरेश बख्शी जी की तरफ से समस्त हनुमान जी के श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं श्रीमती वंदना अरोड़ा, उनका परिवार, श्री नरेश बख्शी जी और हमारे सम्मानित सदस्यगण जो हैं हनुमान उत्सव की बधाइयाँ देते हुए लोगों को चाय का प्रसाद, बिस्कुट का प्रसाद एवं लड्डुओं का प्रसाद जो है वितरित कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी को प्रसाद का वितरण श्री शिव गणपति सेवा मंडल की तरफ से किया जा रहा है। श्री शिव गणपति सेवा मंडल के हमारे महिला और पुरुष सदस्यगण जो है इस वक्त श्री हनुमान भक्तों जी की सेवा कर रहे हैं। लड्डू का प्रसाद, चाय का प्रसाद, बिस्कुट का प्रसाद जलपान कराकर भगवान श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव की खुशी मना रहे हैं। सर्वप्रथम हनुमान जी को पवित्र पावन चोला चढ़ाया गया, विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और उसके बाद फिर भोग लगाकर प्रसाद का वितरण जो है आरंभ किया गया। आप देख सकते हैं कि लगातार श्री हनुमान जी के मंदिर का स्वरूप हनुमान जी की कृपा से लगातार बढ़ता जा रहा है। काफ़ी अंदर बैठने की एक सत्संग भवन टाइप के अंदर बन चुका है, बैठने की एक अच्छी व्यवस्था अंदर वहाँ पर हो गई है। टाइल्स वगैरह लगाकर एक अच्छे स्वरूप के अंदर मंदिर लगातार बढ़ रहा है। काफ़ी अच्छा स्पेस इस वक्त मंदिर प्रांगण में बन चुका है। धीरे धीरे एक अच्छे स्वरूप में यह मंदिर प्रबंध कमेटी के सदस्यों द्वारा, समाज के अन्य लोगों के सहयोग से अच्छे स्वरूप में लगातार बढ़ रहा है। हनुमान जी के भक्तों का तांता यहाँ पर हमेशा ही लगा रहता है। आप देख सकते हैं कि आज जन्म उत्सव है और अब जानकारी लेंगे पंडित जी से कि आज क्या आयोजन यहाँ पर किया गया था। अभी हम पंडित आसाराम जी से
सीधे आपकी बात कराते हैं कि आज क्या उत्सव रहा है। पंडित आसाराम जी की बहुत बहुत ही अच्छी लगनशीलता, मेहनता, कर्मठता है कि आज मंदिर अच्छे स्वरूप में जा रहा है। आज जानकारी लेंगे हनुमान उत्सव पर क्या कुछ आयोजन मंदिर प्रांगण में किया गया, पंडित जी जरा जानकारी देंगे। जय श्री राम जी। आप सभी भक्तों को सबसे पहले जय श्री राम और श्री हनुमान जन्मोत्सव की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर हर साल तो जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल हमने जो है बहुत मतलब जो है ना बढ़िया ढंग से कल यहाँ पर जो है ठीक जो है 9 बजे श्री रामचरितमानस जी का पाठ रखा गया और आज जो है ठीक 9:30 बजे जो है रामचरित जी के मानस का हवन के साथ में जो है भोग डाला गया। उसके बाद जो है ठीक 11 बजे जो है यहाँ पर जो है भंडारा वितरण किया गया। सुबह से लेकर जो है 5 बजे से लेकर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, दूर दराज से भी और हमारे सडौरा शहर से भी और गांव से भी जो है लोग यहाँ पर जो है बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत लोगों का यहाँ पर जो है भगवान के प्रति आस्था है। बहुत लोगों का यहाँ पर जो है बहुत मतलब अपना दिल खोल के जो है दान पुण्य भी करते हैं और यहाँ पर जो है सभी भक्तों की जो है मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। भगवान जो है यहाँ पर सिद्ध रूप में विराजमान हैं। बड़ा सुंदर सा दृश्य जो है आप लोग देख रहे हैं। ये सुंदर दृश्य जो है आप सभी भक्तों के जो है सहयोग से और भगवान के आशीर्वाद से जो है ये यहाँ पर हो रखा है। तो हम सभी लोगों से जो है सभी लोगों की सुख शांति के लिए यहाँ पर जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं और इस विश्वव्यापी जो महामारी चल रही है इसको दूर करने के लिए जो है भगवान हनुमान जी से बार बार प्रार्थना करते हैं। जैसे लिखा भी गया है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। श्री हनुमान जी की जो है नाम लेने से और उनके आशीर्वाद से जो है असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। इसलिए जो है इस कठिन समय में जो है हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इस जो है बुरे भक्त से हमें उबारो और भक्तों को जो है भक्तों के ऊपर जो है कृपा बना के रखो और जो है सभी भक्त जो है भगवान में बड़ी आस्था रखते हैं। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी लोग जो सुन रहे हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो ये थे पंडित आसाराम जी जिन्होंने सारी जानकारी यहाँ पर दी और सबके लिए मंगल कामना हनुमान जी के दरबार में उन्होंने की। तो इस दौरान लगातार प्रसाद का वितरण जो है श्री शिव गणपति सेवा मंडल के सदस्यों द्वारा हनुमान जी के भक्तों को किया जा रहा है। आज की सेवा श्रीमती वंदना अरोड़ा जो कि महिला विंग की हमारी पदाधिकारी हैं, संयोजिका हैं, उनके सानिध्य में और श्री नरेश बख्शी जी जो कि शिव गणपति सेवा मंडल के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से लड्डू का वितरण, बिस्कुट आदि का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव को मनाते हुए। जी वंदना जी, क्या कार्यक्रम था आज, ये क्या उत्सव मनाया गया आपने? आज हनुमान जयंती जी के उपलक्ष्य में हम सारे गणपति मंडल वालों ने सोचा कि आज थोड़ा बहुत सेवा अपनी दी जाए। जी जी जी। तो हमारे हनुमान मंडल की तरफ से चोला चढ़ाया गया जी। हमारे नरेश बख्शी जी ने और सतपाल जी ने मिलकर चोला चढ़ाया और हमने चाय का, बिस्किट का और लड्डू का प्रसाद वितरित किया सभी में। बल्कि हमारी सोच से ज़्यादा संगत आई। हम सोच रहे थे आज दोपहर को भंडारा होगा और शायद पब्लिक कम आएगी, लेकिन हमारी सोच से बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया भंडारा। तो बहुत अच्छा लगा। लेकर आपने आज ये अपना प्रसाद वितरित किया हनुमान भक्तों को, क्या मंगल भावना मन में आई आपके? बस यही कि हनुमान जी हमारे पार्क के अंदर जो 11 मुखी हनुमान मंदिर बन रहा है उसके अंदर बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग दें और उसको पूर्ण करें। ठीक है, जय हनुमान जी की। जय बजरंगबली।